नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय गौतम और आप देख रहे हैं कार केंद्र यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको पुरानी गाड़ियों से रिलेटिव जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए डेली वेज एक पुरानी गाड़ी लेकर आता रहता हूं, जो कम चली हुई हो, कम प्राइस की हो। उसी तरह से आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं i10 कार। गाइस, धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं कैमरे से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। चले दोस्तों, छोड़िए और बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर कंडीशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बात करने वाले हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल से। दोस्तों, अगर बात की जाए फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में आपको हेडलाइट अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगी, हुंडई का लोगो मिल जाएगा। साथ में अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, तो गाज़ियाबाद नंबर रजिस्ट्रेशन है ये कार। बात की जाए लोकेशन की, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में ये आपको कार अवेलेबल मिल जाएगी। बात की जाए फ्रंट ब्रेक्स की, तो डिस्क ब्रेक आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए, 142 से 170 किलोमीटर पर हार की इसकी टॉप स्पीड है गाइस। और बात की जाए कार पे कार लोन फैसिलिटी की, तो इस कार पे कार लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। बात की जाए फाइनेंस फैसिलिटी की, तो इस कार पे फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो गाइस, अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं हुंडई i10 कार को, तो बने रहे वीडियो के एंड तक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कार के एक्सटीरियर कंडीशन के बारे में। अगर बात की जाए बैक प्रोफाइल की, तो बैक में देख सकते हैं आप, वाइपर आपको इनेबल मिल जाता है, जो कि अच्छी कंडीशन में। बैक लाइट अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी, साथ साथ स्टॉप लाइट आपको मिल जाती है, जो बेहतरीन कंडीशन में आपको मिलने वाली है। बात की जाए कार के कलर की, तो ये व्हाइट कलर में इस टाइम अवेलेबल है, लेकिन ये कार ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, सिल्वर, वॉलेट कलर में भी मिलती है। देख सकते हैं साइड जो इसका मिरर है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, लेकिन अगर आप मौके पे लेंगे तो इस कार को वो जो इसके ओनर हैं आपको ठीक करके दे देंगे। बात की जाए कार के मॉडल नंबर की, तो ये 2012 कार का मॉडल नंबर है इस टाइम। कार पे जो इंश्योरेंस वैलिड है वो है 2021 तक। बात की जाए फ्यूल टाइप की, तो गाइस ये पेट्रोल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार की साइड प्रोफाइल भी बिल्कुल लाजवाब कंडीशन में, ये नॉन एक्सीडेंटल कार है। बात की जाए ओनर की, तो ये सेकंड ओनर कार आपको मिल जाती है बिल्कुल लाजवाब कंडीशन में। कार में दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मिरर जो है थोड़ा सा इसका टूटा हुआ है। बात की जाए इंटीरियर के बारे में, फैब्रिक प्लास्टिक का आपको इंटीरियर मिल जाएगा। चारों ही विंडोज़ आपको पावर विंडोज़ अवेलेबल मिल जाते हैं। विंडोज़ में आपको स्पीकर इंक्लूडेड मिल जाते हैं। फर्श पे मैट बिछी हुई मिल जाती है और लेदर के साथ में आपको सीट कवर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए एसी की, तो एसी आपको रनिंग कंडीशन में मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल लाजवाब चल रहे हैं। गाइज, मैंने खुद चला करके देखी है कार। और बात की जाए गाइज, आपको देख सकते हैं सीट कवर में बता चुका हूँ, अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि लाजवाब कंडीशन में चल ही रहा है। म्यूजिक सिस्टम में आपको USB स्लॉट, चार्जिंग स्लॉट, ऑक्स स्लॉट सब कुछ अवेलेबल मिलने वाला। स्पेस वाइज गाइस ये कार काफ़ी लाजवाब कंडीशन में। अगर कर्व वेट की बात की जाए, 860 किलोग्राम इसका कर्व वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm का आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क आपको 4000 RPM का देखने को मिल जाएगा। एंटी लॉक ब्रेकिंग मिल जाती है। ABS सिस्टम आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाता है इसमें। तो गाइज, अगर मेरे हिसाब से आप इस कार को परचेज करना चाहते हैं, ये एक फैमिली कारों में शुमार है। आपके लिए परफेक्ट कंडीशन में कार आपको मिलने वाली है। AC के कंट्रोल हो या लाइट के कंट्रोल हो या वाइपर के कंट्रोल हो, गाइज सारे कंट्रोल इसमें लाजवाब कंडीशन में। स्पेस वाइज आप देख सकते हैं, आपको छोटा मोटा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी कर सकते हैं इसमें। साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है, एयरबैग आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो भाई, इतने कम प्राइस में आपको और क्या चाहिए। अगर फाइनली बात की जाए कार के प्राइस की, तो गाइस इसका जो प्राइस है वो सुन के आप चौंकने ही वाले हैं, क्योंकि जो इसका प्राइस है, ओनर इसके मांग रहे हैं मात्र 2,20,000 रुपये। और जी हाँ, ये नेगोशिएबल प्राइस है, आप बार्गेनिंग कीजिए और कम करा के इस कार को परचेस कर लीजिए। बात की जाए इसके बूट अप स्पेस की, तो आपको 225 लीटर का बूट अप स्पेस इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पेस वाइज अगर बात की जाए काफ़ी बेहतरीन ये कार आपके लिए होने वाली है। जैसे कि आप देख लीजिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। बात की जाए पैसेंजर साइड वाली सीट के बारे में, तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, पैसेंजर साइड वाली सीट भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में। सेम आपको लेदर के सीट कवर देखने को मिल जाएंगे, फर्श पे मैट देखने को मिल जाएगी, और विंडोज़ में स्पीकर इंक्लूडेड मिल जाते हैं। विंडोज़ में आपको पावर विंडो अवेलेबल मिल जाती है। सो गाइस, ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और ओनर से बातचीत कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए, परचेस कर लीजिए हुंडई i10 कार को। मॉडल नंबर 2012 है, फ्यूल टाइप पेट्रोल है। रनिंग की अगर बात की जाए, मात्र चली हुई है 55,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ। सेकंड ओनर कार है ये, आपके लिए अच्छी कंडीशन में होने वाली है। तो भाई, देरी किस बात की, हिसाब से कार में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस साइड मिरर जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन मौके पर जब आप इसको परचेस करने आएंगे तो वो ठीक करा कर दे देंगे। टायर भी आपको अच्छी कंडीशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।